इधर में इधर किधर घूम रहे हैं, वे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कैसर समाज के यह आंदोलन आरक्षण लागू करे या गद्दी खाली करे। कैसर समाज अब रोड में है, ये अब किसी बहकावे में नहीं आने वाला है। यह अपनी हाजिरी दर्ज करा रहा है तो आप सबको मैं ये कहना, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में। समाज के देने में विलंब कर रही है, पता नहीं क्या मजबूरी है। 10% अपने लोगों का बहुत जल्द केंद्र की और प्रदेश की सरकार को। प्रोटेस्ट तो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूरे कश्यप समाज में रोष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो आज मुख्यमंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वादा किया था इस कश्यप समाज से कि इनको आरक्षण दिया जाएगा, और उन्होंने पूरा मंच से कहा था गंगा पुत्रों को आरक्षण दिया जाएगा। जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं योगी जी, खुद उनकी लड़ाई लड़ा करते थे, आज वो प्रदेश में 5 साल से सरकार चला रहे हैं, देश में 7 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस समाज की सुध नहीं ले रहे। आज ये समाज बिल्कुल गरीब है, इनके पास ऐसा नहीं है पढ़ाने के लिए, इनके पास व्यवस्था नहीं है, तो इस आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आज कश्यप समाज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठा है, 57 दिन से धरना चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से ही मांग करता है अगर आचार संहिता से पहले हमारा आरक्षण लागू नहीं होता तो कश्यप समाज का एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, और घर घर पर लिखा जाएगा कि आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, और भाजपा के किसी नेता को कश्यप समाज के घर पर कश्यप समाज की गलियों में बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन लगातार पिछले कई महीनों से जो चुनाव की अच्छा सुधर लगी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कश्यप सम्मेलन कर रहे हैं। अब कश्यप सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा ना, इनको हिस्सा चाहिए, वोट आप बार बार ले ले तो इनसे कहकर 2014 में लिया, 2017 में लिया, 2019 में लिया, सम्मेलन करने से थोड़ा इनको रोटी मिलेगी, इनको आरक्षण करने से नौकरी मिलेगी, इनको आरक्षण करने से इनके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर वकील बनेंगे। तो अब हमें सम्मेलन नहीं, हमें आरक्षण चाहिए, भारतीय जनता पार्टी समझ ले। अभी आपको याद होगा अभी 17 तारीख को एक रैली की गई थी निषादों की, जिसमें लाखों लोग कश्यप निषाद वहाँ लखनऊ में बुलाए, और अमित शाह जी को इसलिए बुलाया गया था, ये वादा करा गया था लोगों से कि आरक्षण की आज घोषणा होगी, लेकिन वो आरक्षण की घोषणा नहीं हुई। ये झूठे हैं, और नरेंद्र मोदी भी झूठे हैं, और अमित शाह से भी बड़े झूठे हैं, उन्होंने लखनऊ में दिखा दिया, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री भी हमारे झूठे हैं, मुख्यमंत्री भी झूठे हैं, और गृह मंत्री भी झूठे हैं। अब इन झूठों को, ये कश्यप समाज 14% आबादी है, निषाद समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 160 विधानसभा पे हम 50,000-60,000 हैं। अगर हमारा आरक्षण नहीं मिला तो अब आंदोलन घर घर होगा, गाँव गाँव होगा, भारतीय चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को गांव गांव जाकर जगाएंगे, और पूरा कश्यप समाज आज यहां से कसम खाकर जाएगा, और घरों पर बोर्ड लगेगा, कश्यप समाज किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को घुसने नहीं देगा, और वो घुसेगा गांव में आएगा तो उसके साथ कोई भी सल्लूक हो सकता है।